बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आज की जो मीटिंग है ये मैं आपको बताना चाहूँ कि ये हमारी लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी सीएम साहब की नंबर आई है। उस मीटिंग में इरीगेशन डिपार्टमेंट की हमारी ब्रीफिंग जिसमें हमारे सेक्रेटरी इरीगेशन साहब भी मदद किए, तो उसमें यही मामला हमारा डिस्कस हुआ शॉर्टेज ऑफ वाटर। उस सिलसिले में सीएम साहब ने डायरेक्टिव इशू किए, उन्होंने मुझे दिए कि मैं सुक्कुर बैराज का विजिट करूँ, और हमारे मोहम्मद बशीर साहब एडवाइज़र हैं उनको कहा कि बिजू बैराज का वो विजिट करें, और इसी तरह कोटली बैराज हमारे मिनिस्टर साहब एग्रीकल्चर के इसमाइल राहुल साहब हैं उनको और इसी तरह हमारे मजदूर साहब हैं मजदूर महूस साहब उनको भी हरा में कहा जाकर के नाम चाहते हैं। ओवरऑल इरीगेशन डिपार्टमेंट की जो है रिपोर्ट सी एम साहब ने मांगी, आपने गुजरात जेल में रिसीव किया, मैंने रिपोर्ट किया। अभी हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई जिसमें यहाँ पे हमारे लोकल में हमारे एम पी अवैस कदीर शाह भी साथ थे, और यहाँ के चीफ साहब हमारे मार साहब वो भी उन्होंने मीटिंग की है। इस वक्त पानी की सूरत हाल ओवरऑल शॉर्टेज है, लॉसेस हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं कि जो है फसल को नुकसान, काफ़ी हद तक फसल हमारे एरिया में जो जो यहाँ से ऑफशूट्स हैं क्या वो प्रॉपरली जा रही है, डिस्चार्ज जा रहा है। 30% आप कह सकते हैं कि सब शॉर्टेज है ओवरऑल हमारे इरीगेशन सिस्टम में, जो पानी ऊपर से आ रहा है डिस्चार्ज हो रहा है गुडू से, और गुडू से पहुँचता हुआ सत्तर आ रहा है, उसमें लगभग 30% शॉर्टेज की मुझे अंदाज़ा है कि हुआ है, लेकिन इस वक्त तक हमारी पोजीशन कुछ हद तक बेहतर है। और यही अब हमने चीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि जितना मैक्सिमम हो सके इलाके को पानी की फैसिलिटी मुहैया किया जाए, और ताकि लोकल काश्तकारों को ज़मींदारों को पानी की सहूलत मिले। सर ये बताएं कि आपको ब्रीफिंग में क्या सुक्कुर बैराज का कौन सा ऐसा काम है जो अभी होना है या होने के जो ना उसमें है? सुक्कुर बैराज के लिए एक पूरा स्टडी प्रोग्राम बनाया गया है, और एक यूएस से प्रोग्राम है जो हमारे बैराज के लिए किया जा रहा है, और उसमें पूरे गेट्स की जो है अपलिफ्ट के लिए पूरा रिकमेंडेशन की गई है, और कुछ गेट्स जो हैं इस वक्त रिपेयर की ज़रूरत होगी, उसमें भी रिकमेंडेशन ये है कि अगर उन गेट्स को रिपेयर किया जाए तो बेहतर है, लेकिन ओवरऑल सुक्कुर बैराज का जो लाइफ स्पैन है उसकी का जो टाइम फ्रेम होता है वो टाइम फ्रेम अपनी सुक्कुर बैराज की बात है। अब रिकमेंडेशन ये है कि इनके सारे गेट्स अगर तब्दील करके इसको नए तरीके से लगाया जाए तो इस बैराज की ज़िंदगी 25 से 30 साल और बढ़ जाएगी, और उस पर काम जारी है, और ये सब रिकमेंडेशन ये सारी रिपोर्ट मैं बना के सीएम साहब को भी दूंगा, और कैबिनेट में भी जो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सब इस पर काम हो रहा है, और अभी हम फिर विजिट भी कर रहे हैं बैराज का, जो जो चीज़ें हैं वो देख के फिर मैं पूरी स्टडी बना के सीएम साहब को। इरीगेशन में काम चोर मुलाजमों के खिलाफ कौन से इकदाम किए जाएंगे, क्या आपकी रिपोर्ट में ये काम चोर मुलाजमें शामिल होंगे? ज़ाहिर है जी, पूरा डिपार्टमेंट है उसमें अगर कोई अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से नहीं निभा रहा तो उनकी रिपोर्टिंग होगी, और ये हमारे पूरे सिंध का एक बैकबोन है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर तब चलता है जब आपका इरीगेशन सिस्टम दुरुस्त हो। तो इरीगेशन सिस्टम हमारा एक बेहतरीन निज़ाम अंग्रेज़ों ने बना के दिया, जो कि हमारे पूरे सिंध का एक बैकबोन है, और हमारा इरीगेशन डिपार्टमेंट फाल होना चाहिए, और उनको एक्टिवली पूरे सिंध में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए। इसीलिए सीएम साहब की डायरेक्टिव पे हम लोगों ने आज से काम शुरू किया है, और आप देखेंगे आगे हर जगह एक्टिवली पार्टिसिपेट करके हर महकमे को मॉनिटर करेंगे, और हम कोशिश ये करेंगे कि आवाम को फैसिलिटेट, आवाम की भलाई के लिए हम लोगों ने काम करना है, उनकी खिदमत करनी है, और यही हमारे चेयरमैन साहब का भी हुक्म है और हमारी पार्टी का मंशूर भी है। थैंक यू। हेलो सर।